नमस्ते, आज मेरे साथ कनन गोपीनाथ साहब हैं। बहुत दिनों बाद आप हैं, बीच में पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे और जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था आईएएस, उसके बाद ये कुछ ना कुछ सामाजिक काम में लगे हैं, लेकिन इधर ये बहुत सी चीजें पढ़ रहे हैं और उसके बारे में भी थोड़ा आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन कनन, आपने जैसा मैं समझता हूँ, आपने एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट शुरू किया है कि चाइनीज को पढ़ के और चाइनीज की सारे न्यूज एजेंसीज, उनके सारे न्यूज पेपर्स को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उन लोगों के लिए जो चाइनीज नहीं समझते हैं और जिनको चाइना की पॉलिटिक्स या उनके ट्रेड या उसमें इंटरेस्ट है और उसको देखना है, उनके लिए एक सुविधाजनक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। जरा प्लेटफॉर्म के बारे में भी अगर आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और वो अब टेस्टिंग जोन से बाहर निकल के वो एक्चुअल रियलिटी में आ गया है एंड पीपल आर यूजिंग इट आल्सो, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे और फिर हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे जिसकी वजह से हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा कन, अगर व्हाट इज दैट प्लेटफॉर्म इज ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। तो वो प्लेटफॉर्म जो है, वो जैसे आपको पिछले बार भी शायद हम जो बात कर रहे थे बताया था कि वो गैल्वन इंसिडेंट के बाद वो शुरू हुआ था और ये सवाल उठ रहे थे कि ऐसे क्यों किया, अचानक किस तरीके का कोई स्टेप क्यों उठाया, अग्रेशन क्यों दिखाया चाइना ने। तो उस वक्त मैं भी समझने का कोशिश कर रहा था कि क्या उन लोग क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी डिस्कशंस डिस्कोर्सेस क्या रहती है, वो समझने के लिए चाइनीज सीखा था। और फिर क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो थोड़ा कोडिंग वहाँ पर अप्लाई करके एक वेबसाइट के तौर पर उसको शुरू किया था, और whatchinareads.com करके, तो प्लेटफॉर्म का नाम whatchinareads.com है। वो स्टार्टिंग में बहुत ही लिमिटेड वर्जन से शुरू किया था, प्योर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, पर फिर लोगों के रिक्वायरमेंट भी आते रहे कि ये बढ़ा दो, वो फार्मास्यूटिकल के बढ़ा दो, साउथ एशिया के बारे में डाल दो, इस तरीके से। तो अभी तो 1000 करीबन सोर्सेस है चाइनीज सोर्सेस, वहां से ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करके अराउंड डेली 10,000 प्लस आर्टिकल्स ट्रांसलेट होके, मशीन ट्रांसलेट होके वो एक पोर्टल में आता है whatchinareads.com करके, और वहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है, चाहे आप इकोनॉमी के बारे में जानना चाहते हो या मिलिट्री के बारे में जानना चाहते हो या उनकी ओपिनियन पीसेस, जो जैसे इंडिया में ओपेड्स और कमेंट्रीज और एडिटोरियल्स आते हैं, वैसे उनकी एडिटोरियल्स क्या क्या आते हैं। तो इस तरीके से उसको इंटेलिजेंटली कैटेगराइज किया हुआ है और सर्चेबल है, जैसे आप गूगल में जाके कोई चीज सर्च कर सकते हो, वैसे यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हैं कोई भी चीज। चाहे मान लीजिए अभी गुजरात में इंसिडेंट हुआ तो चाइना उसके बारे में क्या लिखा है, आप मोरबी जाके सर्च करेंगे तो आपको इतनी सारी न्यूज मिल जाएगा मोरबी इंसिडेंट के बारे में जो चाइनीज न्यूज मीडिया ने कवरेज किया है। तो उस तरीके का वेरी सिंपल, आपको चाइनीज जानने की जरूरत नहीं है, आपको ओरिजिनल सोर्स भी बता देंगे कि कहाँ से वो उठाया है, ये समझने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग what China is thinking and reading and writing, it might be very difficult for us to even cooperate or comprehend or confront, जो भी करना है तो वो मुश्किल होगा अगर समझेंगे नहीं तो। तो उस हिसाब से शुरू किया, अभी पिछले 2 महीने से हमने थोड़ा सब्सक्रिप्शन वगैरह उसका ओपन किया है, तो 8-10 देशों से सब्सक्रिप्शन आए हैं, कुछ बड़े बड़े जैसे BBC मॉनिटरिंग लंडन, उन्होंने सब्सक्राइब किया है, US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की एनालिस्ट है, उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं, तो विथ सम सब्सक्रिप्शंस हैव कम फ्रॉम अराउंड 8-10 कंट्रीज, और वो एनालाइज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जैसे उनके लिए एक गूगल जैसा एक रिसोर्स हो गया, जस्ट गो एंड सर्च, वहाँ पे आके सर्च कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा। तो जैसे रिसेंटली चाइना में कू होने वाला था, जैसे इंडिया में पूरा उसका न्यूज चला कि चाइना में कू हो गया और शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट में है और फ्लाइट कैंसिलेशन इतना ज्यादा हो गया है, वो एक दिन उसके कारण बीजिंग में फ्लाइट कैंसिलेशन हो गया, ये वो करके। तो अगर जैसे उसके बारे में सच्चाई आपको जानना था तो यहाँ पे आके सिर्फ फ्लाइट कैंसिलेशन सर्च कर लिए होते तो उसी दिन क्लैरिटी हो जाता है कि वो एक हफ्ते से पहले ही फ्लाइट कैंसिलेशन की न्यूज वहाँ पे काफी टाइम से आ रहा था, और वो इसलिए आ रहा था क्योंकि 1 महीने से जो पोस्ट कोविड टाइम के जो कैंसिलेशन है, अराउंड 60% मतलब फ्लाइट उड़ नहीं रहे थे, तो वो किसी ने वीचैट में एक स्क्रीनशॉट लेके बता दिया था कि जैसे इंडिया में लॉकडाउन के दौरान अगर ट्रेन का कैंसिलेशन स्टेटस एक दिन अगर कोई उठा लिया था और बोलते कि देखो आज 70% इंडिया में ट्रेन कैंसल्ड है और इंडिया में कुछ बड़ा कुछ हादसा हो रहा है, तो उस तरीके का कुछ पिक्चर था जो कि एक स्टैटिक पिक्चर था काफी टाइम से, और अगर वो देखना था तो आप आके सिर्फ फ्लाइट कैंसिलेशन सर्च करते तो डोमेस्टिक मीडिया में ही इतना करीबन पिछले 2 हफ्ते से उसको कवरेज हो रहा था कि इतना हमारे फ्लाइट कैंसिल, उसका स्टैटिस्टिक सब कुछ। सो
इतना बड़ा एक इंडियन मीडिया में चला जैसे कि कू हो गया ये पूरा, विच वॉज एक्चुअली कम्प्लीटली फॉल्स। एंड उसके बाद किसी ने बताया भी नहीं कि हमने क्यों ये गलत फेमी में बताया। और देखिए इतना बड़ा देश है, हमारे बिल्कुल करीब है, और वहां पे कू हो गया, ऐसे एक मिस इन्फॉर्मेशन तक हम पूरा देश में पूरा चलाया। तो इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ मुझे लगता है कि पॉलिसी में लाइक व्हाट एवर आवर डिस्कोर्स मे नॉट बी वेरी यूजफुल, तो बट हाँ तो यूजफुल है। It will be for anybody, for businessmen, they want to understand how certain economic trends are going on, वहाँ पे क्या interest है, वहाँ पे कहाँ पे lockdowns लग रहे हैं उस तरीके से, या फिर जो foreign policy experts है या defense experts है या किसी भी तरीके के हैं, वो आके अपना search कर सकते हैं। Government of India से भी some subscriptions आ रहे हैं, तो yes लोग use कर रहे हैं, पर चाहते कि और use हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसलिए आपके पास आ रहा हूँ कि जैसे ही आप ये चाइना को ये बात किए तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइना ज्यादा अच्छी हो जाती है अगर आप उनके सोर्सेस को भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक क्या हम केवल अंग्रेजी मीडिया को पढ़ रहे हैं जो चाइना है। मैं आपसे एक बहुत बेसिक सा सवाल इसलिए समझना चाह रहा हूं कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें चाइना हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, और हम लोग जनरली एक पोजिशन ये लेते हैं कि चाइना दुश्मन नंबर एक, उसका उसकी चीजों को बहिष्कार करो, बायकॉट चाइना, थिंक लाइक दैट, जो शायद ग्राउंड पे इतना इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें आप जो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है जहां पे चाइना रशिया और इंडिया को शायद एक एक्सेस में देखा जा रहा है, और मैं इसलिए भी कह दूं यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स, यू कैन चूज योर फ्रेंड्स एनी, पर वो तो वो फैक्ट है, वो हमारा पड़ोसी रहेगा। तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जहां पे अमेरिका एक तरफ है, चाइना रशिया कुछ एक्सेस बन रही है, इसमें कैसे हाउ यू फाइंड इंडिया हियर, मतलब हमें कैसे देखिए न्यू कोल्ड वॉर और सेकेंड कोल्ड वॉर तो एक रियलिटी है। अब वो जो पोस्ट लिबरलाइजेशन या बर्लिन वॉल या पोस्ट यूएसएसआर जो रियलिटी था, ट्रेंड टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, एवरीबॉडी गेटिंग कनेक्टेड मोर एंड मोर, इंफॉर्मेशन फ्लो ज़्यादा, लोग एक दूसरे के पास जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक दूसरे का, कहीं यूएस में इन्वेंशन हो रहा है यूज चाइना में हो रहा है, जापान में हो रहा है, इंडिया में यूज हो रहा है, उस तरीके का जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, टेक्नोलॉजी, पीपल, और मोर इम्पोर्टेंटली लोग उसको डिजायरेबल मान रहे थे कि यही है जो आगे का दुनिया। वो स्टेबिलिटी, वो जो वर्ल्ड ऑर्डर जिसको आप कहते हैं या ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर, उस पे तो एक रोक आया है बहुत क्लियरली, क्लैरिटी के साथ हमें ये समझना होगा कि वो आया है। और एक न्यू कोल्ड वॉर, दोनों चाइना खुल के नहीं बोलते कि हम चाहते हैं, पर इफेक्टिवली दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इट, एंड यूएस हैज मोर और लेस डिक्लेयर्ड दैट इट इज अ न्यू कोल्ड वॉर एंड इट नीड्स टू, अभी चाइना को किसी तरीके से रोकना ही उनके भले के लिए है, वो समझा है। तो ऐसे में पिछले कोल्ड वॉर में हमने कुछ सीख मिला था कि पिछला कोल्ड वॉर किसी का जीत से खत्म नहीं हुआ था, पिछला कोल्ड वॉर का एंड हो गया था, एक देश टूट गया था, एक जो कोल्ड वॉर में जैसे यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, वो टूट गया था। अब उनके मन में भी वो पूरा जैसे जनरेशनल रिवेंज रहता है ना कि हमें कुछ ह्यूमिलेशन हुआ है, अभी जब भी हमारे पास ताकत आएगा तो हम वापस उसको लेंगे, तो वो फीलिंग के साथ रह रहे हैं। बट कोल्ड वॉर में इंडिया ने लास्ट टाइम एक अच्छा चीज मैं समझता हूँ कि किया है, वो हम एक्टिवली रोल प्ले नहीं किया है। जैसे आप पाकिस्तान को देखेंगे, उन्होंने कोल्ड वॉर में एक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश किया था 60s में, जैसे उन्होंने कोशिश करने के किया एंड वहां से उनकी जो जो नीचे का जो जर्नी है आपको उसको लिंक कर पाएंगे। अफगानिस्तान में जब उन्होंने एक यूएस के बिहाफ पे रोल प्ले करना शुरू किया था वहां, तब तक वो एक्चुअली कई सारे इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह में इंडिया से आगे थे, बट द मोमेंट दे स्टार्टेड टेकिंग एन एक्टिव रोल, एक साइड पकड़ लिया था, तो वहां से दोनों के बीच में वो पिस जाते हैं और फिर वहां से दे जस्ट गो ऑन अ कंप्लीट डाउनफॉल। आई थिंक जो पिछले बार की अगर सीख में से यही था कि हम कहीं ना कहीं इधर उधर से करके निकल गए थे, थोड़ा हमारे आइडियोलॉजिकल हमने सपोर्ट लिया था या फिर इवन सोवियत यूनियन के साथ, बट स्टिल हमने किसी और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कोई दुश्मनी नहीं पाए थे, बिकॉज बीइंग अ लिबरल डेमोक्रेसी वो हमेशा लिंक रखे और उसके थ्रू निकल गए थे। इस बार भी एक साइड लेना मुझे नहीं लगता है कि इंडिया एक बहुत इट्स अ ह्यूज कॉन्टिनेंट इन इटसेल्फ, लाइक इट्स नॉट बियॉन्ड अ कंट्री, तो इतना आसान नहीं है जैसे छोटा देश है कि हम इसके साथ अलाई करेंगे उसके साथ अलाई करेंगे, ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसे एक्सपेक्टेशन बाकी ग्लोबल जो पावर्स है उनको भी नहीं होना चाहिए। वो हम एक पोल है अपने में ही, शायद उतना ताकत अभी नहीं है, पर वी आर अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इन आवर सेल्फ एंड वी कैनॉट अलाइन, वी कैनॉट कम्प्लीटली, आप चाहे
हम ब्रिक्स में भी जाएंगे, बात करेंगे, एसईओ का उसमें भी रहेंगे, और हो सकता है कि क्वाड का मीटिंग है तो उसमें भी जाएंगे और क्वाड का उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। एक एक ग्रुप में अलाइन होना मुझे नहीं लगता है कि उतना सेफ है। एंड इन दैट वे आवर करंट फॉरेन पॉलिसी इज आल्सो मोर और लेस उसी के साथ अलाइनमेंट में है कि एक टाइट रोप के थ्रू वॉक करने का कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से सब जहां जहां से हमें बेस्ट मिल सकता है। जैसे अक्टूबर में हमारा क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा हमने इंपोर्ट किया रशिया से, मोर देन सऊदी अरेबिया और इराक, है ना। और वही साथ साथ हम अगर डिफेंस टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं तो हम मूव कर रहे हैं रशिया से, और हम यूएस के साथ मोर एंड मोर वेस्टर्न उसके साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे क्वाड का डिफेंस मैकेनिज्म हो उससे। तो यस, एंड नरेटिव पावर्स में एक चीज समझना होगा कि पहले नरेटिव पावर्स मोर और लेस डिसाइडेड बाई द वेस्ट था, वो चेंज हो रहा है। वो अभी रिसेंटली 3 दिन पहले की है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टडी था जिसमें उन्होंने अराउंड 7.5 बिलियन पॉपुलेशन लाइक कंट्रीज का जो 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 कवर कर रहे हैं पॉपुलेशन को, उनका स्टडी किया था। उसमें जो लिबरल डेमोक्रेसी है, जिसको आप कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी, 1.2 बिलियन जो पॉपुलेशन है वहाँ पे, इंडिया एक्सक्लूडेड है उसमें, और वहाँ पे ओवरवेलमिंगली नेगेटिव है चाइना और रशिया को लेकर ओपिनियन, 80% प्लस अराउंड नेगेटिव ओपिनियन है। और अगर 6.3 बिलियन जो डेवलपिंग कंट्रीज जिसको अगर लेंगे तो वहाँ पे 70% टू 80% फेवरेबल है, 70% फेवरेबल है चाइना को लेकर। तो वो जो जो नरेटिव डोमिनेंस एक इंग्लिश मीडिया से आता था या फिर वेस्टर्न मीडिया से आता था, वो भी कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि इट्स इज नाउ ब्रोकन। वो नहीं है कि वो जो कहेंगे वही होगा, दुनिया उसी को मानेंगे, ऐसा नहीं है। अब यूक्रेन रशिया वॉर में भी आप उसको देख सकते हैं कि डिस्पाइट ओवरवेलमिंगली वेस्ट अपना जो ओपिनियन रखने का कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद बहुत सारे जो कंट्रीज है एंटी रशियन स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो वो एक बैलेंस रोल प्ले करना चाहते हैं। कल शायद आसियान का स्टेटमेंट आया था बहुत क्लियरली, जो सिंगापुर का फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने इतना क्लियरली कहा था कि हम एशिया में डिवाइडिंग लाइन्स नहीं चाहते, हम ओवरलैपिंग फ्रेंड्स रहना चाहते हैं चाइना का और यूएस का, तो हम डिवाइडिंग लाइन नहीं चाहते, और अगर हमसे ये कहेंगे कि चूज करो चाइना और यूएस में तो वी विल रिफ्यूज टू चूज, राइट। तो हम ये वी विल नॉट चूज बिटवीन चाइना एंड यूएस, वी विल ट्राई टू बी एन ओवरलैपिंग फ्रेंड्स। आई थिंक दीज आर मोर प्रैग्मेटिक थॉट्स, एस्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है, एस्पेशली जिनको दोनों साथ लिंक्ड है। सिमिलरली यूरोप के केस में भी, अब यूरोप का बहुत एक रीसेंट वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट वाज, हमारा जो यूरोप का नेट गारंटर ऑफ सिक्योरिटी जिसको कहते हैं वो यूएस है, नेटो जो नेट गारंटर ऑफ सिक्योरिटी, पर उन्होंने एक साथ एक और चीज बोल दिया कि फॉर आवर नेट गारंटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी वो चाइना है, क्योंकि ट्रेड वहां से आता है। तो अभी हमारे लड़ाई जो डायलमा है वो हम किसके साथ दें, नेट गारंटर ऑफ सिक्योरिटी या नेट गारंटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो दिस इज समथिंग द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू, इट इज नॉट जस्ट इंडिया, पूरा इंडिया के साथ ये कॉम्प्लिकेट और हो जाता है, क्योंकि जो बॉर्डर है अभी अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर्स है, और एंड स्पेशली जो लास्ट कपल ऑफ इयर्स में जो हमने टेंशन देखा है उधर, उसके कारण, और टेरिटरीज पे कोई भी देश अपनी सॉवरेन टेरिटरीज को गवा के दोस्ती नहीं बढ़ा सकता, तो और हमारे साथ हुआ है पिछले 2 साल में। तो दैट इज समथिंग आई थिंक वी हैव टू टेक इट अप वेरी 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 क्लियरली, बट अदर देन दैट हमें एक अपना पाथ चुनना ही सही रहेगा रादर देन अलाइनिंग टू एनीबॉडी। जी करण, एक चीज और जो, क्योंकि एक अभी जो डेमोक्रेसी, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे 90 के बाद हुए या 95 के बाद हुए, जो 25 साल की एज है, 30 साल की एज। अब डेमोक्रेसी अजीब, इस समय 4 डेमोक्रेसीज की, अगर अब अपने को नॉर्थ कोरिया भी अपने को डेमोक्रेसी कहता है, चाइना डेमोक्रेसी कहता है, श्रीलंका की डेमोक्रेसी की हालत देखी, ऋषि सुनक की हालत आप देख रहे हैं, मतलब एक मुश्किल आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं उन लोग। ऐसे में जो अपने देश में भी एक थोड़ा सा सेंट्रलाइज करने की कोशिश है, मतलब सारी चीजें एक मजबूत सेंटर की बात है, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मजबूत सेंटर या जो एक पुराना था कि स्टेट की अपनी पावर्स रहे हैं, वो दोनों का बैलेंस कैसे होगा, मतलब ये दोनों, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एक्ट डेमोक्रेसी के लिए, मतलब हम स्पेशली विद रेफरेंस टू इंडिया, क्योंकि एट टाइम्स हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो जो इस समय जो भी अपने यहाँ पॉलिटिकल लोग हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन भी होता है तो एक
एक सेंट्रल लीडर आता है और वो स्टेट के बातों को नहीं, मुझे चुनो, जैसे वन यूनिफॉर्म की बात हो रही है। अब वन यूनिफॉर्म तो है ही, पुलिस की तो एक ही यूनिफॉर्म थी, उनके उनके टोपी ओपी में कुछ चेंज हो जाता है, कहीं नीली, कहीं ब्राउन, कहीं ब्लैक और कहीं कैप और कहीं। पर एक जनरल आपने ये देखा ना कि देयर इज अ पीपल टॉक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो हमारा जो देश बना था, हमारा जो संविधान था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें हम लोगों ने स्टेट को भी काफी कुछ स्वायत्ता दी थी, काफी कुछ इंडिपेंडेंस दी थी। वो कहीं क्या उसमें देयर इज अ थोड़ा खींचतान है, इज देयर एनी रंबलिंग बिटवीन द स्टेट पावर एंड द सेंट्रल पावर या यूनियन पावर टू बी मोर करेक्ट? जैसे सारे देश अपने डेमोक्रेसी कहते हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे चाइना हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, और जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज में अभी जैसे बहुत डिफिकल्टीज फेस हो रहे हैं, जैसे यूके में देखा, और इंडिया में क्या एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की जो टेंडेंसी है वो जरूरी है ऐसे में, या फेडरल स्ट्रक्चर हो जो वीक स्टेट्स? तो मतलब इसको अगर जैसे अगर हम इसको समझते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग स्टेट का मतलब वीक यूनियन नहीं है या वीक सेंटर नहीं है, कहीं ना कहीं ये फंक्शंस काफी अच्छे से डिवाइडेड है, कहीं समवेयर देयर आर सम यू नो ओवरलैपिंग थिंग्स, पर उसके अलावा जो एजुकेशन में काम करना है, जो मेघालय में एजुकेशन में जो काम होना है या केरला में जो होना है, वो अलग है, वो एंटायरली डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट्स उनके जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो डिफरेंट है, चाहे वो हेल्थ के मैटर में हो। तो इट इज समवेयर द पावर्स ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन आर डिवाइडेड। द क्वेश्चन कम्स अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, क्वेश्चन कम्स अबाउट क्राइम, क्वेश्चन कम्स अबाउट अथॉरिटीज। डेवलपमेंटल में फिर भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी है। अब एक डू वी नीड अ सिंगल लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी, जैसे वो टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो रहा है कि जैसे NIA के बात कहे या फिर जो ED जिस तरीके से पूरा ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में एक पुलिस एजेंसी की तरह ही बात काम करने लग गया है। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ सपोज टू बी गोइंग, बट दिस वॉज नॉट हाउ वी फ्रेम्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर का जो थी वो तो क्लियर कट स्टेट के उसमें था, पावर्स में था। फॉरेन पॉलिसीज हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग है, तो हम किसके लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं? डू वी वांट टू बी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट सम फॉरेन पावर्स, लेट्स से पाकिस्तान, चाइना, और उनके साथ हम स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं? तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग तमिलनाडु या स्ट्रॉन्ग आंध्र प्रदेश या स्ट्रॉन्ग उत्तर प्रदेश होने से कोई नुकसान थोड़ी ना है सेंटर को। तो इसमें मतलब कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ से आता है, मुझे उतना क्लैरिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी अगर चाहता है कि हम एक यहीं से डिसाइड करेंगे और यही होगा पूरा देश में, वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़े देश, इवन चाइना को जिसको आप समझते हैं कि वन पार्टी स्टेट जिसको कहते हैं, वहां पे जितने भी पॉलिसी इंटरवेंशन आए हैं जो नेशनल लेवल पे आए हैं, वो सब अपने प्रोविंशियल लेवल पे इंडिपेंडेंट तौर पे किए हैं। प्रोविंसेस को काफी सारे फ्रीडम्स है जो अपने तरीके से वो अपने फ्रॉम जैसे उनकी रिफॉर्म लिबरलाइजेशन शुरू किया था, पूरा चाइना में नहीं किया था, इंडिया में, बल्कि पूरा इंडिया में किया था उन्होंने। सिर्फ एक शेंजन या शांघाई उस छोटे एरिया में शुरू किया था, वो ट्राई करते हैं, उसके बाद दो लोग और ट्राई करते हैं, तीन चार लोग और ट्राई करते हैं। सो इट इज जनरल विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अ लार्ज कंट्री लाइक आवर्स और फॉर चाइना टू हैव वन काइंड ऑफ अ पॉलिसी टू द बिगिनिंग। इट कैन बी अडॉप्टेड लेटर, धीरे धीरे करके अडॉप्ट कर सकते हैं बाद में, बट फ्रीडम टू मेक पॉलिसीज एट द लोकल लेवल एट द फेडरल लेवल इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। उसके बिना तो इश्यूज बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम नहीं होगा। ये समझ के ही तो हमने और ये टेंडेंसी भी आप देखेंगे कि जैसे एक पार्टी स्ट्रांग होता है तो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी बढ़ जाता है, जैसे वो पार्टी वीक हो जाता है तो फेडरलाइजेशन टेंडेंसी इंक्रीज होता है, विच इज वेरी नेचुरल एंड इट इज हैपेंड हिस्ट्री में देखेंगे तो हजारों बार हुए हैं। कोई बड़ा राजा आया है, वो राजा के तौर पर पूरा इंडिया एकदम स्ट्रांग उसके तरीके से वहां से रूल होता था, और उसी के तुरंत इमीडिएटली बाद उसका रिप्रकशन ये होता था कि जो छोटे छोटे राजा हैं वहां से अपना अलग अलग वो शुरू करते थे, तो फिर वो वैसल स्टेट की तरह होता था। तो इट हैज ऑलवेज बीन मूविंग अराउंड लाइक दैट फ्रॉम अ स्ट्रांग सेंटर टू द स्ट्रांग स्टेट। व्हाट वी नीड टू बी क्लियर इज स्ट्रांग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके लिए हम रेडी रह रहे हैं? क्या पॉलिटिकल राइवल को खत्म करने के लिए स्ट्रांग हो, या हमारी जो फॉरेन राइवलरी है या फिर जो फॉरेन कंपटीशन है उनको डील करने के लिए वो हो? और ये दोनों सेम नहीं है, हमारी इंटरनल पॉलिटिकल राइवल को खत्म करना
और फॉरेन राइवलरी के साथ लड़ना, ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये दोनों लिंक्ड है। तो ये जो कंसेप्ट है कि पहले इंटरनल एनिमी को खत्म करना है और जो भी हमसे सहमत नहीं है वो सब इंटरनल एनिमी है, वहीं से भी कई सारे ये पावर्स की इनसिक्योरिटीज आता है जो कि मैं समझता हूँ कि गलत है। स्ट्रॉन्ग स्टेट एंड द स्ट्रॉन्ग यूनियन विल लीड टू स्ट्रॉन्ग यूनियन एंड देन स्ट्रॉन्ग यूनियन कैन टेक ऑन टू द वर्ल्ड। लास्ट में क्वेश्चन है बिकॉज समथिंग विच इज हैपनिंग इन इंडिया फॉर लास्ट टू मंथ्स, जो सबका अब वो यू माइट बी इन फेवर अगेंस्ट, यू मे नॉट बी अफेक्टेड बाय दैट, पर एक बड़ा इवेंट, एक बड़ा चीज हुई है देश में, भारत जोड़ो यात्रा। मैं भारत जोड़ो यात्रा को बड़ा इवेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पिछले मैं जितना बड़ा होगा मेरी याद में एक प्रयास तो ये है कि वो उसमें दो चीजें कही जा रही है। उसमें कहा जा रहा है जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं इट इज नॉट अ पॉलिटिकल थिंग, पर वी ऑल नो कि इसका बाई प्रोडक्ट पॉलिटिक्स ही है। लेकिन जो दो चीजें मुझे लगती हैं जो मुझे अच्छी लग रही हैं कि एक तो पहली बार ईमानदार कोशिश किसी पार्टी या व्यक्ति के द्वारा है कनेक्ट होने की, और जहां पे वो सिविल सोसाइटीज को साथ ले चलने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली वो अपनी पार्टी का झंडा नहीं लेके चल रहे हैं। तो एक तो कनेक्ट नहीं था, मैंने नहीं देखा, मैं पिछले 40 साल से जेपी के आंदोलन में भी ये कनेक्ट वाला काम नहीं हुआ था। और दूसरा मुझे लग रहा है कि वो इश्यूज को बार बार इश्यूज की बात ज्यादा हो रही है, क्योंकि इश्यूज जो हमें और आपको रोज अफेक्ट करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की बातें, इंस्टेड ऑफ इमोशनल इश्यूज। तो आप भारत जोड़ो यात्रा को एक शुभ संकेत मानते हैं कि इस तरह के और पार्टीज को भी इस तरह के काम करने चाहिए, या आप इसको केवल एक पॉलिटिकल टूल के रूप में देख रहे हैं? पॉलिटिकल तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट जो कि जनता से जुड़े हुए हो और इंट्रैक्शन हो जिसमें, और जिसमें पॉलिटिसाइज कर रहे हैं लोगों को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ला रहे हैं। हर एक जिले में अगर जाते हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं या जिस रास्ते से जाते हैं, लोगों को एक पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वाइट कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वाइट कर रहे हैं, दैट इज अ पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव, चाहे कोई भी करे। क्योंकि जो बहुत सारे इमोशंस हो सकता है जो हम बाहर नहीं बता पाते हैं, बट एक चैनल मिल जाता है तो उसके थ्रू हम अपने आप को करते हैं, वो दैट इज होल ब्यूटी ऑफ हैविंग अ डेमोक्रेसी, गुड डेमोक्रेसी और लाइक प्रॉपर डेमोक्रेसी लाइक आवर्स। तो इट इज अ नो डाउट अ पॉजिटिव थिंग, एंड फॉर द पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो, ऑफकोर्स आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड दिस थिंग, बट स्टिल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि कहानियां जुड़ जाती है। जैसे मैंने आपको कभी कहा था कि मिजोरम में जब मैं गया था ज्वाइन करने के लिए, तो कहीं एक उसमें था, तो जो 85-86 जब मिजो पीस अकॉर्ड के बाद राजीव गांधी और सोनिया गांधी और उनके दोनों बच्चे ओपन जीप में पूरा मिजोरम ट्रैवल किए थे, वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बताने के लिए कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, और इट वाज हेवीली इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरिया उस वक्त ना। तो वो पीस अकॉर्ड साइन करने के तुरंत बाद हर एक जिले में, और हर जिले में जाके, क्योंकि वहां पे और कुछ नहीं था तो कलेक्टर बंगलो में ही रुकते थे, और वहां पे जो जुड़े हुए लोग, इतनी कहानियां होते थे कि उन्होंने टीवी लगाया था तो ये आया था, ऐसे आया था। तो इसके कारण क्या होता है कि जो लोग है जो शायद कनेक्टेड ना हो इस प्रोसेस से, उनको एक कनेक्शन आता है और इतनी सारी स्टोरीज उभर के आता है, और वो स्टोरीज मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपके बारे में कभी किसी को याद करूंगा तो कुछ कहानियों के तौर पे ही याद करूंगा, कभी हम कहीं मिले थे लखनऊ में या फिर कभी कुछ हुए थे, तो इस तरीके का स्टोरीज विल ऑलवेज बी नेट पॉजिटिव, वो जो जुड़े हुए लोग उनके लिए भी, जो नेता है उनके लिए भी, और डेमोक्रेसी के लिए भी। वो काफी लंबे टाइम तक मुझे लगता है कि उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। इलेक्टरली कितना बेनिफिट करेगा और नहीं करेगा, दैट्स एंटायरली डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज एट सम लेवल इंडियन इलेक्शंस एंड आर समवॉट नाउ बीइंग फाउट ऑन इश्यूज विच आर नॉट मे बी डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर मटीरियल थिंग्स। तो कुछ परसीव्ड इश्यूज है उसके ऊपर ही मेजर नैरेटिव चल रहा है, तो हो सकता है जब वो उस पर भी बात हो तो बेटर ही होगा, बट कॉन्वर्सेशंस एट एनी ग्रास रूट लेवल, एंड दिस देयर इज नथिंग दैट हैज हैपेंड लाइक दिस एट दिस लेवल। जैसे सोचिए कि हर इतना लंबे जर्नी के थ्रू जाना और फिर लोगों से बात करना, अमेजिंग, एंड जो लोग जुड़ेंगे, जो आके बात करेंगे, उनके लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा।
करेक्ट, थैंक यू सो मच कर्नल फॉर ज्वाइनिंग। और आप बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई, आप इधर ज्यादा बात, मेरा हरदम, मुझे हरदम ऐसा लगता है कि आप लोगों को और बात करते रहना चाहिए, आपका कनेक्ट एक है और एक एक खास करके यूथ लुक्स टुवर्ड्स यू कि आप अगर कोई बात कहते हैं, एक अच्छा काम आपने जो बात किया इसको भी जरा प्रोपोगेट करने की जरूरत है कि व्हाई टू अंडरस्टैंड चाइना इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, हिंदुस्तान के अपने फायदे हित सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वो चीन को और ठीक से समझे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग कर्नल, थैंक यू।